एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल रीना सिंदूरी किचन में। आज हम बनाने जा रहे हैं नाशपाती का जैम। आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी जैम से पतली है, पर फ्रिज में रखने पर इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल बाजार के जैम जैसी हो जाएगी। इस जैम को हमने बिना फूड कलर का यूज किए बनाया है। ये जैम बच्चों को तो बहुत पसंद आता है। नाशपाती का जैम बनाने के लिए हमने लिए है 1 किलो नाशपाती। आप चेक करके लें कि नाशपाती जो है वो कहीं से सड़े ना हो, और यदि सड़े आ भी गए तो आप उसे कट करके अलग कर दें। सबसे पहले हम नाशपाती को छील लेंगे, और नाशपाती को छीलने के बाद उसके आसपास का जो काला काला भाग रहता है इसे भी आप चाकू की सहायता से निकाल दें, क्योंकि जैम को साल भर तक प्रिजर्व करने के लिए ये जो काले काले भाग हैं इन्हें हटाना बहुत ही ज़रूरी है। इन चीज़ों का ध्यान रखने के साथ ही आप कुछ टिप्स को ध्यान में रखेंगे तो नाशपाती का जैम जो है साल भर तक प्रिजर्व करके रख सकते हैं। अब नाशपाती को हम बारीक टुकड़ों में कट कर देंगे, और इसके अंदर का जो कठोर भाग रहता है उसे भी अलग कर देंगे। नाशपाती के जैम को आप पराठों के साथ या फिर ब्रेड पर लगाकर भी खा सकते हैं। ये नाशपाती के टुकड़े 3.5 कप है। अब हमने एक बर्तन में 1/2 लीटर पानी रखा है, और उसके बाद इन नाशपाती के टुकड़ों को उसमें डालकर हम इसे ढक देंगे, और हमें 20 मिनट तक इन्हें पकाना है। 15 मिनट तक हम मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे और 5 मिनट तक कम फ्लेम पर। बीच बीच में इसे चेक करते जाएंगे कि ये अच्छे से सॉफ्ट हुए या नहीं। अगर ये 15 मिनट में भी अच्छे से सॉफ्ट हो जाए तो हम गैस को बंद कर देंगे। देखिए अच्छे से टूट चुका है, और हमें इसे पकाते हुए करीब 18 मिनट हो चुके हैं। हम गैस को बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। इसमें थोड़ा थोड़ा पानी बचा रहता है, ये जरूरी है क्योंकि उबलते टाइम नाशपाती जले नहीं। अब हम ठंडा होने के बाद एक मिक्सर के जार में इन नाशपाती को पीस लेंगे। हम इन टुकड़ों के अंदर जो पानी गया है उसे हटा देंगे ताकि नाशपाती के टुकड़ों का अच्छा सा पेस्ट बन सके। हमें इसे ऐसा पीसना है कि बिल्कुल बारीक सा पेस्ट बने। और अब ये जो बचा हुआ पानी है इसे भी हम इस नाशपाती का जो पेस्ट है उसमें मिला देंगे, क्योंकि पानी भी बहुत ही पौष्टिक है और हमें ऐसा पतला पेस्ट चाहिए। हमने पानी को इसलिए अलग किया ताकि अच्छे से पीस सके मिक्सर में, इसलिए अब हम एक छलनी की सहायता से इसे छान लेंगे। इसे छानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जैम को प्रिजर्व करने के लिए उसमें नाशपाती के टुकड़े नहीं चाहिए, और पिसते टाइम इसमें छोटे छोटे नाशपाती के टुकड़े तो रह ही जाते हैं, और भी यदि कुछ भाग रह गया होगा तो छलनी में ऊपर आ जाएगा। आप इस तरीके से छानिए तो जल्दी से छन जाएगा, और थोड़ा थोड़ा छानने के बाद नाशपाती का जो बचा हुआ पेस्ट है वो भी इसमें डालते जाइए। ये देखिए मैंने सारे नाशपाती का जो पेस्ट है उसे छान लिया है इस तरीके से। आप देख सकते हैं छलनी के ऊपर जो भाग बचा है इसे हटा देंगे, और छलनी के नीचे पेस्ट लगा है इसे तो हम यूज में ले लेंगे। छानने के बाद नाशपाती का जो पल्प है वो 1.5 कप से थोड़ा सा ज़्यादा है, और वजन में 400 ग्राम है। शक्कर की मात्रा जितना पल्प रहेगा उससे थोड़ी सी कम लेंगे, तो 1.5 कप शक्कर ली है, वजन में 350 ग्राम है। अब हमने दिया है साइट्रिक एसिड 1.5 छोटी चम्मच, और वजन में 6 ग्राम है। और अब हमने दिया है वनीला एसेंस, ये 3 बूंद यूज़ करेंगे हम। ये एसेंस हमने फ्लेवर के लिए यूज़ किया है, यदि आपके पास ये नहीं है तो कोई बात नहीं। सबसे पहले गैस की फ्लेम को मीडियम रखेंगे और नाशपाती के पल्प के अंदर शक्कर को डाल देंगे, और इसे अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। जैम को पकने में करीब 15 से 20 मिनट का समय लगता है। 15 मिनट तक हम इस जैम को मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे, और 5 मिनट तक लो फ्लेम पर पकाएंगे। हमें इसे बीच में चलाते हुए पकाना है। शक्कर डालने पर इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी पतली हो जाएगी, पर जब हम इसे लगातार चलाते हुए पकाएंगे तो फिर इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी हार्ड होने लगेगी। आप इसे आसपास से अच्छे से चलाते हुए पकाते जाएं, और इसे बीच बीच में अच्छे से चलाते रहें। जैम को पकाने में ज़रूर 15 से 20 मिनट लगते हैं, पर हम इसे साल भर तक फ्रीज में स्टोर करके भी तो रख सकते हैं। अब इसे पकाते हुए 10 मिनट हो गए हैं, इसलिए हम इसमें डाल देंगे साइट्रिक एसिड, और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस नाशपाती के जैम को आप व्रत में भी खा सकते हैं। इसे पकाते हुए अब 15 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें डाल देंगे वनीला एसेंस की 3 बूंद। वनीला एसेंस डालने पर जैम जो है उसका थोड़ा कलर भी चेंज हो जाएगा, और इसमें एक अच्छा सा टेस्ट भी आ जाएगा।
हमें इसे पकाते हुए 20 मिनट हो चुके हैं। हमने इसे 15 मिनट मीडियम फ्लेम पर और 5 मिनट लो फ्लेम पर पकाया है। अब हम इसे चेक करेंगे। हमने एक कटोरी में पानी लिया और 3-4 बूंद इस जैम की डाल दी। आप देख सकते हैं ये जैम नीचे तले में बैठ गया है, मतलब जैम जो है वो तैयार है। आप दूसरा तरीका भी आजमा सकते हैं, कटोरी में 3-4 बूंद जैम को लेकर इसे 2 मिनट के लिए ठंडा होने दें। आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी इस प्रकार रहनी चाहिए। ये ठंडा हो चुका है और आप कटोरी को ऐसे करेंगे तो ये उसमें जम सा गया है, ये अचानक से नीचे नहीं आ रहा है, मतलब कि जैम जो है वो परफेक्ट बन चुका है। अब हम इसे ठंडा होने देंगे। आप देख सकते हैं अभी यह गर्म है और इसकी कंसिस्टेंसी इस प्रकार है। जब यह ठंडा हो जाएगा तो इसकी कंसिस्टेंसी भी थोड़ी चेंज हो जाएगी। अब यह पूरी तरीके से ठंडा हो चुका है, इसलिए मैं इसे एक बाउल में निकाल लेती हूँ। इसे गिराने पर एक चादर के फॉर्म में गिरता है। अब हम इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। हमें जैम को पूरी तरीके से ठंडा नहीं करना है, यह हल्का सा गुनगुना रहे तभी हम इसे इस बाउल में निकाल रहे हैं। मैं आपको जैम का कलर और कंसिस्टेंसी दिखाने के लिए इसे बाउल में निकाल रही हूँ। देखिए ये कितना प्यारा लग रहा है, ये दिखने में प्यारा लग रहा है तो खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगा। अब इस गुनगुने जैम को हम एक कांच की साफ़ धुली हुई बोतल में भर देंगे। आप बोतल को पहले साफ़ करके इसे धूप में सुखा लें और उसके बाद ही इसमें जैम भरें, ताकि यह साल भर तक इसमें अच्छे से स्टोर हो सके। आपको जैम की यह रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, ताकि हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें।